स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की। गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने पिछले दिनों सेंटर की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी GEAC के उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जिसमें नए किस्म के ट्रांसजेनिक कॉटन सीड के फील्ड ट्रायल की रिकमेंडेशन की गई थी। इस नए कॉटन सीड को हैदराबाद बेस्ड बायो सीड रिसर्च इंडिया ने CRY2AI जीन के साथ मिलकर बनाया है। CRY2AI वो जीन है जो कपास को उसमें लगने वाले पिंक बॉलवर्म के प्रति रेजिस्टेंट बनाता है। ये नए कॉटन सीड्स फर्स्ट जनरेशन की ट्रांसजेनिक कॉटन है जो और भी ज़्यादा वाइड स्प्रेड पेस्ट अमेरिकन बॉलवर्म से भी फसलों को बचाएगा। CRY2AI सीड को प्राइमरीली टेस्ट कर लिया गया है और इसी आधार पर GEAC ने रिकमेंड किया है कि अब इन सीड्स का तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात के किसानों के खेतों में इनकी टेस्टिंग की जाए। चूंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है इसीलिए स्टेट्स पर डिपेंड करता है कि वो सेंटर से आए ऐसे किसी प्रपोजल को माने या ना माने। इन चार स्टेट्स में से केवल हरियाणा ने अपने यहाँ टेस्ट करने की परमिशन दी है। GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ये ऐसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके जेनेटिक मटेरियल यानी DNA को डिजायरेबल रिजल्ट्स के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के जरिए मॉडिफाई किया जाता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन की टेक्निक पहले भी बड़े पैमाने पर इंसुलिन, वैक्सीन और तमाम दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ की जा चुकी है। क्रॉप्स के मामले में जेनेटिक मॉडिफिकेशन में DNA का मैनिपुलेशन किया जाता है। इससे पहले क्रॉप्स में बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए कन्वेंशनल मेथड यानी कंट्रोल्ड पॉलिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता था। इसके फायदे ये हैं कि ये टेक्निक क्रॉप्स में लगने वाली कुछ डिजीजेस से बचाती है। ट्रेडिशनल क्रॉप्स के मुकाबले इस टेक्निक वाली क्रॉप्स जल्दी तैयार हो जाती हैं, साथ ही इनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने का दावा किया जा रहा है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड क्रॉप्स को अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी उगाया जा सकता है। ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इन क्रॉप्स में ट्रेडिशनल क्रॉप्स की तुलना में ज़्यादा मिनरल्स, विटामिन्स और दूसरे न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इन क्रॉप्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिन्हें लेकर अक्सर डिस्कशंस होते रहते हैं। ह्यूमन बॉडीज़ पर इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। माना जाता है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड्स से ह्यूमंस में ऐसी डिजीजेस हो सकती हैं जो कि एंटीबॉडीज़ के प्रति ही इम्यून है। इसके अलावा ये क्रॉस पॉलिनेशन मेथड एनवायरनमेंट में दूसरी स्पीशीज़ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये टेक्नोलॉजी कार्सिनोजेनिक भी साबित हो सकती है यानी ह्यूमंस में कैंसर की वजह बन सकती है। साथ ही सॉयल, माइक्रोब्स, पॉलिनेटर्स और लगभग सभी मेडिसिनल हर्ब्स को किल कर सकती है और क्रॉप डाइवर्सिटी को अफेक्ट करती है। इससे पहले ब्रिंजल, टोमेटो, मेज़, चिकपी जैसी क्रॉप्स में ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के लिए अलग अलग ट्रायल किए गए हैं, लेकिन भारत में कॉटन पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसे कॉमर्शियली कल्टीवेट किया गया है। GEAC जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को टेस्टिंग की परमिशन देने वाली एपेक्स टेक्निकल बॉडी है। हाल ही में इसने मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 और इसकी पेरेंटल लाइंस को एनवायरनमेंट संबंधी अप्रूवल दिया है। हालांकि GM क्रॉप्स के मामले में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के तहत आने वाली GEAC फाइनल आर्बिटर नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लिटिगेशन चल रही है। इन लिटिगेशंस को एक्टिविस्ट अरुणा रॉड्रिक्स और जीन कैंपेन नाम के एक NGO ने फाइल किया है। DMH11 के लिए GEAC के अप्रूवल के बाद पेटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं जहां उन्होंने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि यदि इसे अप्रूवल दे दिया गया तो ये फार्मर्स को हर्बिसाइड्स के यूज़ के लिए एनकरेज करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग चल रही है। भारत में ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को रेगुलेट करने की प्रोसेस में मुख्य रूप से दो बातें आती हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप। इस प्रोसेस में किसी प्लांट में ट्रांसजेनिक जीन्स को इंसर्ट कराया जाता है। दूसरा है सेफ्टी असेसमेंट्स, जिसमें क्लियरेंस देने वाली कमेटी फील्ड ट्रायल के अप्रूवल की सिफारिश से पहले खुद ही तमाम टेस्ट्स कराती है। फील्ड टेस्ट किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के प्लॉट्स पर होते हैं। किसी ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए कॉमर्शियल क्लियरेंस तभी मांगा जा सकता है जब उसके रिजल्ट नॉन GM वेरिएंट से अच्छे रहे हों और उसने दिए गए पैरामीटर्स पर अच्छा परफॉर्म किया हो, साथ ही अदर स्पीशीज को कोई नुकसान ना पहुँचाया हो। क्लियरेंस मिलने के बाद ओपन फील्ड ट्रायल अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्रॉप सीजन और अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस में किए जाते हैं।
जिससे हर सिचुएशन में इनकी सुटेबिलिटी परखी जा सके। GAEC ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ICAR से GM क्रॉप के लिए ज्वाइंटली कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करने को कहा है। GM क्रॉप्स को चूंकि स्टेट गवर्नमेंट्स टेस्टिंग के लिए अपना अप्रूवल नहीं दे रही हैं, तो ऐसे में GEAC की कोशिश है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को पूरे भारत में कुछ ऐसी नोटिफाइड टेस्टिंग साइट्स बनानी चाहिए जहां सीधे ट्रायल किए जा सकें। फिलहाल ऐसे 42 प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया है। यदि ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर इसमें स्टेट्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC एक स्टेचुटरी कमेटी है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर यूज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स रूल्स 1989 से किया गया था। इस कमेटी को दिए जाने वाले किसी भी एप्लीकेशन के साथ कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। किसी GM क्रॉप के एनवायरनमेंटल रिलीज के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का क्लियरेंस मैंडेटरी होता है। GEAC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है। इसके पैनल में प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स होते हैं और इसकी अध्यक्षता एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा की जाती है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।